अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नांदेड़ वाली फूड स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है एक कप बेसन, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और इनो लगेगा एक पैकेट और हाफ लेमन लगेगा। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप बेसन और इसमें हम डालेंगे बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे। इसमें हम डालेंगे हाफ अ लेमन, लेमन जूस डालेंगे और लेमन जूस डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और नमक। और इसे डालने के बाद हम इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, येलो फूड कलर। मैंने हल्दी ऐड नहीं की है क्योंकि अगर आप हल्दी डालेंगे और तो उससे रेड स्पॉट्स आ सकते हैं ढोकले पर और आपका ढोकला ख़राब हो सकता है। तो हल्दी को अवॉइड करें, अगर डालें तो बिल्कुल एकदम कम डालें हल्दी आप। और इसको पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखें ढोकले का जो बैटर है वो एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है क्योंकि इसमें एयर भरती है और एयर जो ढोकले के बैटर में भरेगी उसी से हमारा ढोकला जो है वो फूलेगा। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे मैं इसको वापस से बीट कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा फ्लफी हो जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड मिक्सर से भी इसको थोड़ा सा फेंटे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी 5 से 10 मिनट। और ये मेरा काम इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे हम और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ एक पतीला, उसमें पानी डालेंगे, एक रिंग रखेंगे और जिस पे हम अपना ढोकले का बर्तन रखेंगे। तो 5 मिनट के लिए पहले आप प्री हीट कर लें। अभी इस बैटर में मैं डाल रही हूँ इनो और इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। तो इनो जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो बैटर है वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा इनो डालने के बाद। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे मोल्ड में और इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर हम इसको टैप कर लेंगे 1 से 2 बार ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम इसको रख देंगे हमारे जो प्री हीट करने के लिए पतीला रखा था हमने उसमें और इसको लगेंगे तकरीबन 15 मिनट लगेंगे बनने के लिए। तो हम मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 15 मिनट रख रही हूँ। तब तक हम बना लेते हैं इसका तड़का। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और तड़का पैन को हम रख देंगे गैस पर। इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ता, राई, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। तो हमारा तड़का बनकर रेडी है और हमारा ढोकला भी बनकर रेडी है। तो चलिए इसको डीमोल्ड करते हैं। बस 1 से 2 बार टैप करने पर ही देखिए हमारा जालीदार एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस पर हम तड़का डाल देते हैं जो हमने बनाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब बारी आती है ढोकले को कट करने की। आप अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चाहें। और आप इसको कट करने के बाद भी थोड़ा सा तड़का डालें ताकि अंदर तक जो तड़का है वो जाए, इसी से इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस होता है। तो ये देखिए हमारा ढोकला जो है वो हो गया है बिल्कुल रेडी बनकर। इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे और सर्व करें आप इसको टोमेटो सॉस के साथ, इमली की चटनी या फिर हरी चटनी के साथ, आप जिससे भी खाना पसंद करते हैं। तो इस ढोकले को आप ज़रूर बनाएं और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।